यूपी के फरुखाबाद में पुलिस ने 23 बच्चों को रेस्क्यू कर बंधक बनाने वाले सिरफिरे सुभाष बाथम को मार गिराया है। पुलिस ने 10 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद बदमाश को ढेर कर सभी बच्चों को रात लगभग 1 बजे सुरक्षित निकाल लिया गया। उधर सिरफिरे आरोपी की पत्नी की भी गांव वालों की पिटाई से मौत हो गई है। इस ऑपरेशन को अंजाम देने वाली पुलिस टीम को राज्य सरकार ने 10 लाख रुपए की इनामी राशि देने का ऐलान किया है। मारे गए आरोपी पर 2001 में गांव के एक शख्स की हत्या का आरोप था जो जमानत पर बाहर चल रहा था। वहीं ऑपरेशन के दौरान दोनों पक्षों में मुठभेड़ में 2 SHO समेत 3 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। दरअसल फरुखाबाद के करथिया गांव का सुभाष बाथम एक शातिर बदमाश था। उसने गुरुवार दोपहर घर पर अपनी बेटी का जन्मदिन होने के नाम पर गांव के बच्चों को बुलाया था। दोपहर 3 बजे तक उसने गांव के 23 बच्चों को इकट्ठा कर लिया, फिर उसने सभी बच्चों को घर में बंद कर लिया।